हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को खत्म करते हुए उसके कुछ एग्जांपल भी कर लिए थे, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके कि NaBH4 आपका होता क्या है। बच्चों तो ध्यान से समझेंगे, देखो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी आपका एक टाइप का क्या है, या ये भी आपका क्या, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक टाइप का आपका क्या होगा बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट, इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका एक टाइप का क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और स्ट्रक्चर इसका क्या होगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर आपका होगा देखो Na+BH, इसको टेट्राहेड्रल बना देते हैं। ठीक है, एच 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 एच, यहां माइनस चार्ज। अगर मैं बोलना चाहूं तो इस पे आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसका भी स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से होता है बच्चों। अभी मैं बता देता हूं, यहां पर एच 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 और ये एच, यहां पर कौन सा चार्ज बच्चों, माइनस चार्ज। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। एक बार इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, sp3। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया था कि इन NaBH4 बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन बोरोन एंड हाइड्रोजन, बोरोन एंड हाइड्रोजन, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन बोरोन एंड हाइड्रोजन, बोरोन एंड हाइड्रोजन इज हाई। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों, इसका हाई होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका क्या होता है बच्चों, यहां पर काफी हाई होता है। जब यहां पर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी हाई होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका काफी हाई होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आपका ज्यादा हाई होगा तो इट कैन नॉट डोनेट H माइनस, मतलब क्या बच्चों, हाइड्राइड। इट कैन नॉट डोनेट H- हाइड्राइड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को H- नहीं दे पाएगा। ठीक है, जब ये H- ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं दे पाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सो इट इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई क्यों होता है, क्योंकि यहां पर देखोगे तो बोरोन का क्या है बच्चों, 2p ऑर्बिटल, और यहां पर क्या है, 1s ऑर्बिटल, तो ओवरलैपिंग बिटवीन, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाई क्यों होता है, तो ओवरलैपिंग बिटवीन 2p एंड 1s ऑर्बिटल इज सो स्ट्रॉन्ग। मतलब 2p और 1s ऑर्बिटल के बीच जो ओवरलैपिंग होती है बच्चों, वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से यहां पर 3p था और यहां पर 1s था, तो ओवरलैपिंग बिटवीन 3p एंड 1s ऑर्बिटल इज नॉट इनफ गुड। मतलब अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होने की वजह से ये हमारा क्या करता था, सो इट कैन डोनेट इजिली इजिली H- आयन, मतलब हाइड्राइड आयन को इजिली डोनेट करता था, इसलिए ये आपका अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और ये आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। सो NaBH4
NaBH4 इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, देन इट कैन रिड्यूस लिमिटेड लिमिटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिमिटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड, ये कुछ ही आपके लिमिटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही रिड्यूस कर पाएगा। कौन कौन से बच्चों? फर्स्ट आपका क्या होगा, असाइल हैलाइड, असाइल हैलाइड को ये आपका रिड्यूस कर देगा। सेकंड आपका क्या होगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और आपका थर्ड क्या होगा बच्चों, कीटोन। इसके अलावा कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड को NaBH4 रिड्यूस नहीं करता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे कि NaBH4 केवल और केवल असाइल हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन को ही आपका रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। तो मैकेनिज्म हम एक एक करके एग्जांपल के थ्रू ही हम यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चों। तो देख लेते हैं मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म आपका इसका बिल्कुल ही सिमिलर हो जाएगा। किसकी तरह से बच्चों? आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह। तो एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर अगर मैंने लिया एग्जांपल में सबसे पहले असाइल हैलाइड RCOCl। ठीक है, अब देखो NaBH4, NaBH4 इज अ सोर्स ऑफ, इट इज अ सोर्स ऑफ H-। ठीक है, ये अगर H- का सोर्स होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये ऊपर जाएगा और यहां पर कौन आ जाएगा, Na+। तो सिमिलर उसी की तरह चलेगा बच्चों आपका कंसेप्ट, O- Na+, यहां पर Cl, यहां पर H। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में ये आपका अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, O- आपका सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बच्चों, डोनेट करेगा और यहां से Cl बाहर निकलेगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी से देखेंगे, RCOH। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, वापस से NaBH4 ले आऊंगा, NaBH4 ले आऊंगा। अब NaBH4 ले आऊंगा तो यहां से आपका हाइड्रेट शिफ्ट होगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, RCO-Na+, यहां पर H, यहां पर H। ठीक है, अब ये आपका कहां जाएगा, नीचे जाएगा, ये यहां जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, RCO। ठीक है, ये आपका बाहर नहीं जाएगा, सॉरी यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर RCH2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे बच्चों, यहां पर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, OH। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। फिर मैं इस मैकेनिज्म से जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो मैं आपको बताता हूँ बच्चों एक एक करके। ये तो हमारा किसके लिए था बच्चों, असाइल हैलाइड के लिए, असाइल हैलाइड के लिए। अब बच्चों ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको हाइड्रोलाइसिस नहीं दिया हो तो आप लोग मान लेना, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, चाहे आपका NaBH4 हो, अगर आपको हाइड्रोलाइसिस नहीं दिया है तो भी आपको मान के चलना है कि आपका वहां पर हाइड्रोलाइसिस होगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों किसका बच्चों, एल्डिहाइड का। ठीक है, एल्डिहाइड में ये आपका किस तरीके से करेगा देखते हैं। एल्डिहाइड का देखो RCOH। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर NaBH4, NaBH4 इज द सोर्स ऑफ, सोर्स ऑफ H-। ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये किसकी तरह है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये बॉन्ड ऊपर खुलेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज, डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस। नाउ क्या आ जाएगा बच्चों, RCO-Na+, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, RCH2OH। नाउ आपका क्या बन जाएगा, NaOH। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं अगला एग्जांपल, ये किसके लिए था बच्चों, एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए। किसके लिए था बच्चों ये, एल्डिहाइड के लिए। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों कि किसके लिए, कीटोन के लिए। देखो कीटोन के लिए कैसा होगा बच्चों, एग्जांपल समझ लेते हैं। मैकेनिज्म आपका इसी तरीके से चलेगा, तीन चार बार अगर हम मैकेनिज्म को लिखते हैं तो हमको मैकेनिज्म अपने आप याद हो जाती है बच्चों। तो देखो RCOR, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन मैंने NaBH4 के साथ कराई, NaBH4 इज द सोर्स ऑफ, सिमिलर सोर्स ऑफ H-।
अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, उसी की तरह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही चलेंगे, यहाँ डेल्टा माइनस यहाँ डेल्टा प्लस। नाउ अब आपका क्या होगा, आर सी माइनस यहाँ एन ए प्लस, यहाँ पर एच आ जाएगा और यहाँ पर आर। ठीक है, बात क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका होगा आर सी ओ एच एच आर। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है कि जो आपका कार्बोनिल बॉन्ड पे जो हाइड्राइड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो आपका NaBH4 से आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहां पर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए हाइड्राइड एच माइनस कम्स फ्रॉम NaBH4। ठीक है, एंड एंड अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। लेकिन अगर इफ वी विल टेक NaBD4 देन डी माइनस विल अटैक। ठीक है, अगर NaBD4 होगा तो डी माइनस अटैक करेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है, एच प्लस इज कम्स फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस स्टेप। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस स्टेप से आया है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोलाइसिस के लिए हम यहाँ पर CH3OH भी हो सकता है, H2S भी हो सकता है, यहाँ पर हम NH4Cl भी ले सकते हैं, ये सारे हाइड्रोलाइसिस के लिए बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मैंने H2O भी ले सकते हैं, इसको भी मैंने हाइड्रोलाइसिस में लिया था ना बच्चों लास्ट टाइम, तो इसी तरीके से हम इसको हाइड्रोलाइसिस में ले सकते हैं। अगर इसकी जगह D2O होगा तो यहाँ D+ आएगा, ND4Cl होगा तो D+ आएगा, D2S होगा तो D+ आएगा, CH3OD होगा तो D+ आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर D भी आ सकता है, D कब आएगा, जब यहाँ पर आपका हाइड्रोलाइसिस स्टेप में आपका ड्यूटेरियम आइसोटोपिक हाइड्रोलाइसिस एजेंट अगर होगा तो यहाँ पर D+ आपका आ जाएगा। आई होप सो कि आपको ये सारे ऑब्जर्वेशन समझ में आ गए होंगे। नाउ अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पॉइंट पे, मतलब एग्जाम्पल पॉइंट पे, देखते हैं एक एक करके, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट पढ़ा दिया था, सिमिलर आपका चलेगा उसकी तरह। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर वन, देखो यहां पर CH2Cl ये डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ कराना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराना है, एक्सेस अमाउंट में लेंगे सब, यहां पर NaBH4 के साथ कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। ठीक है, देखो बच्चों, अब देखो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो यहां पर सबसे पहले NaBH4 केवल और केवल किसका कराता है, आपका अभी अभी मैंने बताया असाइल क्लोराइड, असाइल हेलाइड, या फिर आपका कीटोन, या फिर आपका एल्डिहाइड, इन सबका ही कराएगा, इसके अलावा नहीं कराता। तो अगर मैं NaBH4 के साथ जाऊंगा तो NaBH4 में क्या आएगा, इट कैन नॉट रिड्यूस रिड्यूस अल्काइल हैलाइड, ये आपके अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, ये आपके अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करेगा, केवल और केवल किसको करेगा, कीटोन को करेगा। तो कीटोन को कैसे करेगा, मैं पहले NaBH4 की बात कर रहा हूँ, यही ऊपर जाएगा, तो यहां पर NaBH4 के केस में इस तरीके से आपका आ जाएगा O माइनस Na प्लस और यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा CH2Cl, Cl का तो करेगा नहीं। ठीक है, नाउ फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, क्या कराऊंगा बच्चों, हाइड्रोलाइसिस। नाउ फर्दर मैं अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो हाइड्रोलाइसिस कैसे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका CH2Cl यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, OH यहां पर इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करता है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करेगा, RX को आपको RH में कन्वर्ट कर देता है।
आर एक्स का आपको किस में कन्वर्ट कर देता है, आर एच में, और इसको भी आपका कन्वर्ट कर देगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या क्या होगा? देखो अब मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ, ट्रिक समझना किस तरीके से हम इसके प्रोडक्ट को लिखेंगे सीधा, ठीक है। देखो यहां पर सी एच टू एच हो गया, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर सीधा जहां ओ होगा उसकी जगह लिख दो ओ एच, ठीक है। अब देखो कार्बन की तीन वैलेंसी है, कार्बन की कितनी वैलेंसी है, एक दो तीन है, और बची हुई वैलेंसी पे हाइड्रोजन लगा दो, ये आपका हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब हम जितने भी क्वेश्चन होंगे हम है ना ट्रिक से करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ना ट्रिक को हमको किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू पे चलते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर टू आपका क्या है बच्चों, देखो ये आपका इस तरीके से है, यहां पर एनओ टू, यहां पर आपका सी एल, ठीक है। एन ए बी एच फोर के प्रेजेंस में कराना है और हाइड्रोलाइसिस कराना है, और आपका किसके प्रेजेंस में कराना है बच्चों, यहां पर आपको कराना है, ध्यान से समझेंगे, यहां पर एक आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कराना है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब देखो ट्रिक से चलेंगे, जहां पर डबल बॉन्ड ओ होगा वहां ओ एच लगा दो, और बची हुई वैलेंसी को, कार्बन की बची हुई वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे, यहां पर देखो ये आपका कौन सा ग्रुप है, सबसे पहले ग्रुप पहचानो, ये आपका एल्डिहाइड, ये आपका कौन सा होगा बच्चों, ये आपका होगा कीटोन, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, नाइट्रो, ये आपका कौन सा है, हैलाइड, ठीक है। अब देखो ये आपका सबका कर देगा, लेकिन NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस NO2 एंड X, ठीक है, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, देखो आपको जहां पर O है वहां पर OH लगा दो, और कार्बन की बची हुई वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। देखो मैं इसको इस तरीके से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ कार्बन था, ठीक है, यहां पर भी कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है, अब देखो इसको OH कर दिया, ठीक है। अब यहां पर आपका NO2 इधर है और यहां पर आपका Cl यहां पर है, देखो यहां पर CH2 हो गया, यहां पर H हो गया, यहां पर CH2 हो गया, देखो बची हुई वैलेंसी को मैंने किससे सेटिस्फाई कर दिया बच्चों, हाइड्रोजन से। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इसमें NO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, NO2 इज कन्वर्ट इंटू व्हाट, अमाइन, एंड एक्स इज कन्वर्ट इंटू व्हाट, एच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ओ एच सी एच टू सी एच ओ एच, यहां पर सी एच टू, यहां पर क्या आ जाएगा एन एच टू, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा एन एच टू, ठीक है, यहां पर सी एच आएगा बच्चों, वैलेंसी ज्यादा हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे, तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड अब हम समझते हैं यहां पर एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो देखो एग्जाम्पल नंबर थर्ड ये मेरा है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड यहां पर सी डबल ओ एच, इसको हीट करेंगे ए प्रोडक्ट मिलेगा, और इसको बी एन ए बी एच फोर। अब देखो बच्चों ध्यान रखना, एन ए बी एच फोर मतलब हाइड्रोलाइसिस आपको करना ही पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस आपको करना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, हीट प्रेजेंट है, तो आपके माइंड में एक ही कंसेप्ट आना चाहिए, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों आपका, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आप देखो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कैसे हम पहचानेंगे, ये अल्फा और बीटा, तो बीटा कीटो एसिड है, ये आपको माइंड में सेट होना चाहिए बच्चों, बीटा कीटो एसिड है, बीटा कीटो एसिड होगा तो सिंपली हीटिंग में ही आपका क्या हो जाएगा, सिंपली हीटिंग करने से ही आपका यहां पर CO2 का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हीटिंग करने पर ही आपका यहां पर किसका रिमूवल हो जाएगा बच्चों, CO2 का। तो देखते हैं बच्चों इसका सोल्व करते हैं, ऊपर एक एक करके सोल्व करते हैं बच्चों। यहां पर देखो सिंपली हीटिंग करेंगे तो यहां पर सॉल्यूशन बताता हूं बच्चों मैं, सॉल्यूशन यहां पर इस तरीके से सी डबल ओ एच, सिंपली हीटिंग किया, यहां पर क्या आ जाएगा
CO2 गैस का रिमूवल हो जाएगा। अब यहां पर CO2 गैस का रिमूवल हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, NaBH4। यहां पर ये, यहां पर हाइड्रेट नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, जल्दी से O-Na+, और यहां पर क्या आ जाएगा D, ठीक, D नहीं सॉरी H आएगा, एच ए वाला है, तो H आ जाएगा, और इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों आपका, यहां पर OH और यहां पर H। क्या ये आपका एनेंशियोमर पेयर होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कायरल सेंटर आपका प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल नंबर 4 ये मेरे पास इस तरीके से है, ठीक है। COOH, ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H+, ठीक है। एक मेरा इस तरीके से है बच्चों, देखो ध्यान से समझना बच्चों, NaOH, CaO, और यहां पर आपका A, यहां पर आपका B, यहां पर आपका C, और यहां पर आपका A। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पाथ वन, इसको मैं बोल देता हूँ पाथ वन, इसको मैं बोल देता हूँ पाथ टू, ठीक है। एक एक करके पाथ वाइज हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो पाथ वन में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, पाथ वन में तो इसका सॉल्यूशन समझते। देखो पाथ वन में क्या है बच्चों, ना आपका हीट दिया है ना कुछ दिया है, सिंपली आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराना है। तो ध्यान से समझना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका कीटोन के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या कर देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कीटोन के साथ साथ आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करता है। तो देखो किस तरीके से करेगा, देखो एक एक करके समझेंगे। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में पाथ वन, यहां पर लिख देता हूं पाथ वन में किस तरीके से चलना है, तो देखते हैं यहां पर देखते हैं बच्चों, ये आपका इस तरीके से हो गया डबल बॉन्ड हो, यहां पर COOH। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, OH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब यहां से H- रिमूव होगा, H- आपका वहां अटैक करेगा, कैसे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है। एक्सिस में बच्चों अभी सारे कंपाउंड अभी किस में बच्चों, एक्सिस में लिया है मैंने, ठीक है। तो देख लेते हैं यहां पर, ये यहां अटैक करेगा और ये यहां अटैक करेगा, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो O-Li+, ठीक है, O-Li+, यहां पर CH OH, ठीक है, O-Li+। अब ये वाला बॉन्ड आपका नीचे खुलेगा, ये आपका बाहर निकलेगा एज अ लिविंग ग्रुप, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, O-Li+, और यहां पर आपका CH, यहां पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, H आ जाएगा। नाउ अगेन मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराऊंगा, तो यहां पर H- आएगा, यहां पर इस तरीके से आएगा, तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, O-Li+, तो यहाँ पहले से बना हुआ, यहाँ पर CO-Li+, और यहाँ पर CH2 आ जाएगा। देन फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, क्या कराऊंगा बच्चों, हाइड्रोलाइसिस, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर OH और यहाँ पर CH2OH। क्या ये आपका कायरल सेंटर होगा? हाँ ये आपका कायरल सेंटर होगा, ये आपका कायरल सेंटर होगा। तो आपको इस प्रोडक्ट का टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बताना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। यहां पर मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, अगर आप उसको अगर करते जाओगे तो आई होप सो कि आपकी पूरी ऑर्गेनिक कमांड में आ जाएगी, ठीक है। काफी इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, तो कमांड में आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर तो पाथ ए, यहां पर ए प्रोडक्ट आपका क्या होगा बच्चों, ए प्रोडक्ट आपका होगा यहाँ पर, ये यह आपका OH, यहाँ पर CH2OH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पाथ सेकेंड की ओर। देखो पाथ सेकेंड हमारा क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, पाथ सेकंड हमारा क्या होगा, देखो पाथ सेकंड में हमारा क्या होगा, देखो पाथ सेकंड में मैंने NaOH और CaO लिया हुआ है, ठीक है, NaOH और CaO लिया हुआ है, लेकिन यहां पर NaOH और CaO की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन तो फिर भी आपका ही यहां पर होगा। तो यहां पर अगर आपका डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगा तो यहां पर ये वाला एच आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों। एक काम करो, इसको हटा दो, यहाँ पर सिंपली हीटिंग कर दो, ठीक है। सिंपली हीटिंग कर दिया, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, सिंपली हीटिंग कर दिया। सिंपली हीटिंग करके यहाँ पर क्या मिल गया बच्चों, देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, अगर NaOH और CO होगा तो भी आपको डीकार्बोक्सिलेशन करना है, CO2 हटाना है, लेकिन एच आपका NaOH वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया। नाउ इसका NaBH4 के साथ कराएंगे तो किस तरीके से होगा बच्चों,
मैंने आपको बताया था ट्रिक, सिंपल OH लगा दो और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो हाइड्रोजन से, तो इस तरीके से आपका इसमें प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। तो अब हम देखते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 5 में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, काफी इजी कांसेप्ट है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 को समझते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 हमारा क्या होगा बच्चों, देखो ये वाला है, लेता हूं एग्जांपल ताकि आपको समझ में आ जाए एक ही बार में। ये NO2, ये आपका OCOCH3। ठीक है, यहां पर मैंने लगा दिया OCH3, यहां पर मैंने लगा दिया CH3, यहां पर मैंने लगा दिया O, यहां पर मैंने Cl। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मुझे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी कराना है। तो देखो यहां पर अब मैं आपको एक नया टर्म में बता देता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को LAH भी बोलते हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड को कहीं कहीं आपको SBH के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जितने भी कंपाउंड है सबका कर देगा, एक तो इसका नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है बच्चों, नॉन साइक्लिक ईथर। अगर ये आपका नॉन साइक्लिक ईथर होगा तो इसका नहीं करेगा। ठीक है, नॉन साइक्लिक ईथर का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं करेगा, बाकी सबका कर देगा। ठीक है, तो देखते किस तरीके से करेगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूं, देखो Cl को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, H में। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, CO-Li+, यहां पर H आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। यहां पर CH3 को करेगा नहीं, OCH3 को भी नहीं करेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, OCO-Li+ और यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर CH3, यहां पर NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, जैसा कि मैंने बताया है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, यहां पर ये वाला बॉन्ड अंदर जाएगा तो ये आपका खुलेगा, ये वाला बॉन्ड अंदर जाएगा तो ये आपका खुलेगा, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो यहीं पर मैं आपको बताता हूँ, इसके नीचे देखो ये आपका इस तरीके से है, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है H, ये आपका NH2। यहां पर जैसे ये वाला बॉन्ड खुलेगा तो ये आपका O-Li+ हो जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, यहां पर साथ में CH3 C डबल बॉन्ड OH यहां से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे ही ये आपका बाहर निकलेगा तो इस पॉइंट पर आपका क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, एल्डिहाइड बन गया। नाउ यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 और यहां पर क्या बन जाएगा, OCH3। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो Cl बाहर निकल रहा है तो यहां से Li+ भी बाहर निकलेगा, तो यहां से कौन सा पॉइंट में बाहर निकलेगा, LiCl बाहर निकलेगा। इस पॉइंट से आपका LiCl और इस पॉइंट से आपका ये बाहर निकलेगा। हमको केवल और केवल कंपाउंड को देखना है, तो कंपाउंड का जैसे ही मैं फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ में फिर से करा दूंगा इसका, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा बच्चों, वापस से यहां पर देखो NH2, यहां पर OH आ जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो सिंपल, यहां पर OCH3, यहां पर CH3, यहां पर आपका CO-Li+ और यहां पर 2H लग जाएंगे और क्या हो जाएगा बच्चों, एंड में हाइड्रोलाइसिस तो आप करा ही सकते हो, हाइड्रोलाइसिस अगर नहीं भी होगा तो भी आपको कंसीडर करके चलना है बच्चों। ठीक है, यहां पर NH2, यहां पर OH, यहां पर OCH3, यहां पर CH3, तो सिंपली आपका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, ये होगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। नाउ SBH, SBH ये क्या है, ईस्टर तो करेगा नहीं, NO2 नाइट्रो ग्रुप को भी SBH नहीं करता, CL को भी SBH नहीं करेगा, SBH लिख देता हूँ SBH ताकि आप कंफ्यूज ना हो, SBH मतलब सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसका तो दोनों ही नहीं करते, ना SBH करेगा ना LAH करेगा, इसका ना SBH करेगा ना LAH करेगा। ठीक है, इसका SBH भी करेगा और LAH भी करेगा, दोनों इसके करेंगे। ठीक है, इसमें दोनों नहीं करेंगे, इसमें भी दोनों नहीं करेंगे, इसमें SBH नहीं करेगा लेकिन LAH कर जाएगा, इसमें आपका SBH नहीं करेगा LAH करेगा, इसमें आपका LAH कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जिसमें करेगा वो मैंने राइट लगा दिया, जिसमें नहीं करेगा वो मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं SBH की बात करूंगा, इन प्रेजेंस ऑफ SBH, तो मैं इसको ऊपर बनाता हूँ बच्चों, इसको मैं लिख देता हूँ पाथ फर्स्ट, तो ये नीचे वाला आपका क्या है बच्चों, यहां पर पाथ फर्स्ट,
नीचे वाला आपका पाथ फर्स्ट हो गया। अब देखो पाथ सेकंड की बात कर लेता हूं, पाथ सेकंड कौन सा बच्चों, ये वाला, ठीक है पाथ सेकंड। अब देखो पाथ सेकंड के हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो यहां पर केवल और केवल किसका होगा, असाइल हैलाइड का होगा। तो मैंने आपको सिंपल एक टेक्निक बताया, यहां पर जो आपका कार्बोनिल बॉन्ड है उसको आपको क्या कर देना है बच्चों, सिंपल आपको कार्बोनिल बॉन्ड को आपको क्या कर देना है, यह वो यहीं पर बना देता हूं बच्चों। कार्बोनिल बॉन्ड को आपको केवल और केवल किस में कन्वर्ट कर देना है, यहां पर OH लिख देना है और कार्बन की सारी वैलेंसी को फ्री कर देना है। अब देखो कितनी वैलेंसी है, यहां पर दो वैलेंसी है, बची हुई वैलेंसी कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। ये अपने आप आपका लिविंग ग्रुप बनके बाहर निकल जाएगा, यहां पर Cl हो जाएगा, यहां पर NO2 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये एस्टर का तो करेगा नहीं, ठीक है। नाउ यहां पर OCH3 रहेगा और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको इस एग्जांपल को डील करना है। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर आपका उस इसका प्रोडक्ट और उसका प्रोडक्ट क्या बना, तो अगर मैं बात करूं फाइनली फाइनली अगर मैं बात करूं कि यहां पर पाथ फर्स्ट का आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो पाथ फर्स्ट का आपका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों ये देखिए, ठीक है बच्चों, CH2OH, जैसा कि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बना है। यहां पर अमाइन लगेगा, यहां पर OH लगेगा, यहां पर OCH3, यहां पर CH3, देखो काफी डिफरेंस है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा काफी इजी क्वेश्चन से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6 भी अब हम देख लेते हैं, काफी आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो काफी हद तक जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। यहां पर देखो, यहां पर अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, यहां पर एक और एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैंने ले लिया यहां पर एल्डिहाइड, ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया ईस्टर, ठीक है, ये मैंने ले लिया ईस्टर। अब देखो यहां पर इसकी रिएक्शन आपको SBH के साथ भी करानी है और किसके साथ करानी है, LAH के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा पाथ 1 और ये हो जाएगा पाथ 2, आपको दोनों पाथ के बारे में बताना है, ठीक है। अब देखो पाथ 1 को मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ बच्चों, पाथ 1 किस तरीके से सोल्व होगा। देखो पाथ 1 SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या है बच्चों, आपका सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पहचान लो, ये ईस्टर है, ये आपका कौन सा है कीटोन है, और ये आपका कौन सा है एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है, ठीक है। बात बात क्लियर है बच्चों। तो केवल और केवल SBH आपका किसका करेगा, SBH कैन रिड्यूस कीटोन एज वेल एज एल्डिहाइड। तो यहां पर एल्डिहाइड के केस में हम क्या करेंगे, सिंपल हम इस तरीके से लेंगे और कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड कार्बोनिल बॉन्ड को OH में कन्वर्ट कर दिया। अब कितनी वैलेंसी फ्री है, जितनी वैलेंसी फ्री होगी उतनी H लगा देंगे। यहां पर क्या करेंगे बच्चों, यहां पर OH कर दिया, अब यहां पर तो रिंग वाला है ना, तो यहां पर भी देखो मैंने H लगा दिया बस। और यहां पर इसको तो करेगा नहीं, पाथ 1 में इसको तो करेगा नहीं। अगर मैं बात करूं पाथ 2 की प्रोडक्ट की, तो पाथ 2 का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, पाथ 2 में तो तीनों को करेगा, तो यहां पर तो OH आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, कार्बोनिल बॉन्ड हटा के मैंने OH लगा दिया, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल कर दी। देखो दो थी ना, दो थी पहले, बाद में मैंने कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजनेट कर दिया, ठीक है। यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर कार्बोनिल बॉन्ड को मैंने OH कर दिया। अब देखो कार्बन की कितनी है, दो वैलेंसी है, दो वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए मैंने CH2 लगा दिया। तो इस तरीके से हमको इस रिएक्शन को डील करना है, चाहे आपका NH4D वाला आ जाए, चाहे आपको कुछ भी आ जाए, तो आपको इस तरीके से डील करना है क्वेश्चन, ठीक है। एक हम मैंने ड्यूटेरियम वाला कर लेते हैं बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया था एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम देख लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7, लास्ट एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7। तो यहां पर मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 में ये हमारे पास देखो CL CO और यहां पर CH3, ऐसा मैंने जानबूझ के लिया है बच्चों, ताकि आपको यहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। NaBD4 और यहां पर हाइड्रोलाइसिस H3O+ के साथ कराना है, बता दिया मैंने। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, ये डी यहां आएगा, तो क्या आ जाएगा, ClCDO-Na+, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, CH3, ये बॉन्ड आपका नीचे जाएगा, ये बॉन्ड आपका ओपन होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर CL आपका बाहर निकलेगा Na के साथ, तो NaCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, DCOCH3। नाउ फर्दर आपका कौन अटैक करेगा, NaBD4,
ठीक है, एन ए बी डी फोर अटैक करेगा, हमेशा एक्सिस में ही लेंगे, तो डी सी यहाँ पर डी आ गया, यहाँ पर सी एच थ्री आ गया, यहाँ पर ओ माइनस एन ए प्लस। नाउ फर्दर अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो हाइड्रोलाइसिस के क्या होगा बच्चों, ओ एच, ठीक है, सी डी टू सी एच थ्री। बच्चों बस इसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए कराया कि जब भी आपका ड्यूटेरियम आएगा तो आप मैकेनिज्म के थ्रू चलना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चों, गलती मत करना, वहां पर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने मत बैठ जाना बच्चों। अगर आपका आइसोटोप वाला होगा तो आपको हमेशा मैकेनिज्म के थ्रू चलोगे तो आपको मतलब सही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपने मैकेनिज्म के थ्रू नहीं चला तो आपको प्रोडक्ट सही नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड को खत्म कर लिया है, नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे, उसमें भी आपने काफी हद तक काफी प्रॉपर्टीज को आपने डील कर चुके हो आप लोग, ठीक है, तो उसमें आपको जैसे पिनाकोल, पिनाकोलोन वो सब होगा, तो आई होप कि आपको वो सब अच्छे से आता होगा। तो एक बार आप लोगों को रिवाइज मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, इन सबको आपको एक बार है ना रिवाइज कर लेना चाहिए, और जो भी आपके अल्कोहल से रिलेटेड रिएक्शन है उसको रिवाइज कर लोगे, देन आफ्टर आपको केमिकल प्रॉपर्टी इजीली समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, सो थैंक यू सो मच।